बीपी बिशनवार सूरत गुजरात से हैं। आत्मा और परमात्मा एक है या अलग? आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग? अगर अलग अलग होंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? अगर आत्मा और परमात्मा अलग अलग होंगे तो भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज की डेट में। अगर एक ही होंगे तो भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज की डेट में। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, तार्किक प्रश्नों के चक्कर में ज्यादा ना उलझें, लेकिन फिर भी मेरा आपके प्रश्न के माध्यम से सबके लिए एक संदेश है कि बड़े दार्शनिक और बड़े तार्किक प्रश्नों में स्वयं को ना उलझाएं, आत्मा को भी भूल जाएं, परमात्मा को भी भूल जाएं, अपने जीवन की सोचें कि जीवन में आनंद कैसे मिले, क्योंकि यह तुम्हारे प्राणों का प्रश्न होगा। इसका उत्तर पाने की प्यास आपके रोए रोए में भरी होगी, और जब आप आनंद कैसे मिले इस प्यास को पकड़कर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं उस यात्रा में आपको आत्मा का भी अनुभव होगा, परमात्मा का भी अनुभव होगा, और वो दोनों का दोनों अनुभव अंततः आपको पता चलेगा वो एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके भीतर का कृष्ण जागेगा, आपके भीतर का कृष्ण परम आनंद के रूप में ही आपके भीतर निहित है, वही आपका मूल स्वभाव है, और अपने मूल स्वभाव को आपको सिर्फ पा लेना है। उसको पाने की विधि क्या है उस पर फोकस करिए। अपने आनंद को कैसे आप पा सकते हैं, कैसे उपलब्ध हो सकते हैं, इस दिशा में आप फोकस करिए। उस यात्रा में एक कदम आगे बढ़े, आपको ये सारे अनुभव स्वतः होंगे। हमारे बता देने से कोई अनुभव होगा उसका कोई वैल्यू नहीं। जो अनुभव स्वतः होता है वही वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव होता है।